अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। नमस्कार, News 44 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दिशा राठौर। भारत में चुनाव आयोग इन दिनों काफी सतर्क है, इसलिए आए दिन चुनाव को लेकर घोषणा कर रहा है। बीते दिन गुजरात में इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, कल दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान किया, जिसके बाद आज भारत के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा सीट और लोकसभा सीट के उपचुनावों की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों के नतीजे हिमाचल और गुजरात चुनाव के 7 या 8 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि उड़ीसा की पदमपुर सीट, राजस्थान के सरदार शहर, बिहार की कुरहनी, छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। साथ ही आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैनपुरी और रामपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 17 नवंबर तक नामांकन किया जा सकता है। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 नवंबर तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकते हैं। इन दोनों सीटों पर 5 दिसंबर यानी सोमवार को मतदान होगा, वहीं गुरुवार यानी 8 दिसंबर को मतगणना होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 44। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।